हाय, इस वीडियो को शूट करने के लिए मेरा 12वां टेक है और इससे पहले मैं 11 टेक ले चुका हूँ जिसमें मेरा मुंह मतलब फेस में ना ऐसे आ रहा है जैसे नींद लग रही थी मेरे को। तो अभी मैं गया बाथरूम, अपने मुंह को अच्छे से धोया और अभी आके मैं बैठ के ये 12वें नंबर का टेक ले रहा हूँ। देखते ये अच्छा जाता है क्या जाता है। क्या कभी आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आया है कि ओलंपिक गेम्स के अंदर जो ये मेडल्स होते हैं, जैसे गोल्ड मेडल हो गया, सिल्वर मेडल हो गया, ब्रॉन्ज मेडल हो गया, क्या ये रियल होते हैं, ये ओरिजिनल होते हैं? क्या गोल्ड के अंदर रियल में गोल्ड होता है? क्या सिल्वर के अंदर रियल में सिल्वर होता है? क्या ब्रॉन्ज के अंदर क्या सच्ची में ब्रॉन्ज जैसे मटेरियल होता है? हाँ, डेफिनेटली आप सबके अंदर ये डाउट्स तो आए होंगे और आप लोगों ने कभी ना कभी इस बारे में सोचा जरूर होगा। तो कोई बात नहीं दोस्तों, आज मैं आपके ये सारे डाउट्स अपनी इस वीडियो के अंदर पूरे के पूरे खत्म कर दूंगा और आप लोगों को यह बताऊंगा कि ओलंपिक गेम्स के अंदर जो मेडल होते हैं क्या ये सच में रियल होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरा चैनल ब्लॉगिंग चैनल है, ये जो चैनल आप देख रहे हैं ना ये ब्लॉगिंग चैनल है। इसके अंदर आपको मोटो व्लॉग से लेके डेली लाइफ स्टाइल के अंदर के व्लॉग देखने को मिल जाएंगे। तो जाओ और सब्सक्राइब कर दो। तो मेरी इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप जाकर मेरे प्रीवियस व्लॉग का आनंद लें और मेरे को फिर बताएं कि आपको मेरे ये प्रीवियस व्लॉग कैसे लगे। तो दोस्तों, ये डाटा IOC मतलब कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के एक स्पोक्स पर्सन ने एक इंटरव्यू में बताया था। तो सबसे पहले जो है हम लोग ब्रॉन्ज मेडल के ऊपर बात कर लेते हैं। ब्रॉन्ज मेडल का वेट जो होता है 450 ग्राम होता है और इसके अंदर जो है 95% तक कॉपर का इस्तेमाल होता है और 5% जो है जिंक मिला दिया जाता है। तो इन दोनों मटेरियल को आपस में मिक्स करके ब्रॉन्ज मेडल को बनाया जाता है। इसके बाद जो है हम लोग सिल्वर मेडल की बात कर लेते हैं। सिल्वर मेडल जो है 550 ग्राम का होता है, इसका वेट जो होता है ना 550 ग्राम होता है और आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा ये एकदम प्योर सिल्वर से बनाया जाता है। मतलब इसमें 100% एकदम प्योर सिल्वर का इस्तेमाल होता है तब जाके जो है ये सिल्वर मेडल बनाया जाता है। तो क्या गोल्ड मेडल में भी 100% गोल्ड होता है? बिल्कुल भी नहीं। इसके अंदर गोल्ड होता तो है लेकिन 100% गोल्ड नहीं होता है। गोल्ड मेडल का जो वेट होता है 556 ग्राम का होता है और इसके अंदर मात्र 6 ग्राम गोल्ड होता है। ध्यान से देखिए, मात्र 6 ग्राम गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है गोल्ड मेडल को बनाने के लिए। ये 6 ग्राम जो गोल्ड होता है ये मेडल के आउटर पार्ट को पॉलिश करने के काम आता है। मतलब कि मेडल को एकदम गोल्ड जैसा बनाने के लिए उसके आउटर पार्ट में पॉलिश कर दिया जाता है। तो अंदर क्या होता है? अंदर होता है एकदम प्योर सिल्वर। सिल्वर से ये गोल्ड मेडल बनाया जाता है और उसके बाद इसके ऊपर 6 ग्राम गोल्ड से पॉलिश कर दी जाती है। मतलब गोल्ड का पानी चढ़ा दिया जाता है 6 ग्राम गोल्ड का, जिससे कि ये गोल्ड जैसा दिखने लग जाता है। एक मजेदार बात आप लोगों को और बता देता हूँ। अभी रिसेंटली जो ये ओलंपिक गेम्स हुए हैं टोक्यो के अंदर, इसके अंदर जो ये मेडल्स बनाए गए हैं, आपको पता है ये कैसे बनाए गए हैं? जापान की जो जनता है, जापान की जो पब्लिक है, उन्होंने अपने पुराने गैजेट्स, अपनी पुरानी डिवाइसेस को जो है डोनेट कर दिया। डोनेट करने के बाद उसको रिसाइकल करके, मतलब उसके अंदर से मटेरियल को निकाल के ये मेडल बनाए गए हैं। ऐसा जो है ओलंपिक की वेबसाइट के अंदर ऑलरेडी बताया गया है। इन मेडल्स को जापान के साइन डिजाइन एसोसिएशन के डायरेक्टर ने बनाया है जिनका नाम है जुनिशी कावानिची। तो हो गई ना मजेदार बात, सामान रिसाइकल का रिसाइकल हो गया और मेडल भी बनकर तैयार हो गए। जापान की जनता जो है ना एकदम, मतलब पूरी दिमागदार वाली जनता है। जापान के अंदर बहुत होशियार आदमी बैठे हुए हैं। तो अभी मैं आप लोगों को इन मेडल्स की कीमत बता देता हूँ, जो आज के रिसेंटली गोल्ड सिल्वर का प्राइस चल रहा है ना उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा। वैसे तो मेडल की कोई कीमत नहीं होती है क्योंकि इसमें जो है प्लेयर की पूरी मेहनत लगी होती है, इसकी कोई कीमत नहीं होती, ये प्राइस लेस होता है। लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार जो प्राइस बोला गया है मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ। जो गोल्ड मेडल है उसका प्राइस जो है $494 है और जो सिल्वर मेडल है उसका प्राइस है $260 और जो ब्राउन्ज है उसका प्राइस है $3। आई होप इतनी मजेदार जानकारी से भरा हुआ मेरा ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को छोड़ने से पहले, रुकिए, इस वीडियो को छोड़ने से पहले सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ऐसी ही बहुत सारी जानकारी और ऐसे ही मतलब बढ़िया बढ़िया व्लॉग जो है मैं आप लोगों को दिखाता रहूंगा। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद ये वीडियो छोड़ के आप जा सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को करें लाइक, चैनल पे नहीं है तो चैनल को करें सब्सक्राइब। अब हम मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में जो 2-3 दिन बाद आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।